हेलो स्टूडेंट्स, देखें ह्यूमन सेटलमेंट्स पार्ट टू। आपने इस चैप्टर के पार्ट वन में देखा है रूरल सेटलमेंट्स कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं अर्बन सेटलमेंट्स। तो देखें अर्बन सेटलमेंट, आपको पता है कि जैसे रूरल एरिया में क्या होता है, रूरल एरिया में लोग प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। और अर्बन एरिया में लोग क्या होते हैं, नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज़ करते हैं। हमने पीछे देखा था जो पॉपुलेशन सेंस डिपार्टमेंट है उसने अर्बन एरिया के डिफ़ाइन किया था कि कोई भी सिटी या उसको सेटलमेंट की बात करते हैं वो कंटेनमेंट होगा, होना चाहिए, या वो नोटिफाइड एरिया हो, म्यूनिसिपलिटी हो, कॉरपोरेशन हो, ठीक है। पहली कंडीशन ये, सेकेंड मिनिमम पॉपुलेशन 5000 हो और पॉपुलेशन डेंसिटी 400 पर स्क्वायर किलोमीटर हो, ठीक है। इसके अलावा जो वहाँ की वर्किंग मेल पॉपुलेशन है उसका 75% है वो नॉन प्राइमरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं, नगर बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अर्बन सेटलमेंट्स की। तो देखिए पहला जो अर्बन है जो मिलियन सिटी बना था, तो इसमें मैंने डार्क कर रखा है, आपको इसका ध्यान रखना है कौन सा है, लंदन है जो सबसे पहले क्या बना था, मिलियन सिटी बना था, ठीक है। अब मिलियन का मतलब क्या, आप देखें बात करते हैं, मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, 10 लाख पॉपुलेशन जिसकी भी होती है ना उसको मिलियन बोलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो सिटी है जो जिसकी पॉपुलेशन 1 मिलियन हुई थी वो कौन सा है, लंदन है, ठीक है, जो 1810 के अंदर बन गया था। तो आपको ये ध्यान रखना कि फर्स्ट जो अर्बन है एरिया है जो फर्स्ट मिलियन सिटी बना था वो लंदन है, ओके। अभी हम बात 2017 की बात करें तो लगभग 54% जो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो कहाँ रहती है, अर्बन एरिया में रहती है, जो 18th सेंचुरी के अंदर ओनली 3% पॉपुलेशन रूरल एरिया में रहती थी, सॉरी अर्बन में रहती थी। इसका मतलब क्या हुआ, अर्बनाइजेशन इतना ज़्यादा हो गया, लोग काफ़ी ज़्यादा हैं वो सिटीज़ में रह रहे हैं, अर्बन एरिया में रह रहे हैं। अब आपको पता है तो इंडिया के अंदर जो अर्बनाइजेशन है ये तो वर्ल्ड का दिखा रहा है 54%। इंडिया का यदि हम लेटेस्ट बात करें 2011 का जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंग 31% पॉपुलेशन वो कहाँ रहती है, अर्बन एरिया में रहती है, 31%, ठीक है। तो ये वर्ल्ड के अंदर कितना है, वर्ल्ड में 54% है, ओके। अब आगे हम बात करते हैं, देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स। अब अर्बन एरिया को हम अलग अलग वे से क्लासीफाइड कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप। तो इसमें हम यहाँ पर देख रहे हैं वो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आर साइज ऑफ पॉपुलेशन, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के बेस पे हम उसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। जब क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं ना तो ये लाइन देता है जो अंडरलाइन में कर रखा है, ये जो दिखा रखा ना इसके अंदर, ये जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आर साइज ऑफ पॉपुलेशन, ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, तो इस बेस पे पूछा तो आप उसको अटेम्प्ट इस प्रकार करोगे, ठीक है। तो हम लेते हैं इसको पॉइंट वाइज देखते हैं। देखिए नंबर वन है पॉपुलेशन साइज। पॉपुलेशन साइज भी हम बात करें तो इंडिया में आपको पता है जैसे मिनिमम जो पॉपुलेशन है वो कर रखा है 5000 कर रखा है, ठीक है। तो वैसे ही अदर कंट्रीज में क्या कर रखा, तो हम बात करते हैं कोलंबिया में केवल मिनिमम पॉपुलेशन क्राइटेरिया है 1500, अर्जेंटीना और पोर्चुगल में ओनली 2000 है, USA और थाईलैंड में 2500 है, इंडिया में 5000। इसके साथ में अदर जो कंडीशन ये है कि उसके अंदर जो मोर देन 75% पॉपुलेशन एंगेज इन नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज एंड अदर कंडीशन मिनिमम पॉपुलेशन हो गया, मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी 400 पर स्क्वायर किलोमीटर एंड दैट एरिया रिलेटेड टू कंटेनमेंट म्यूनसिपलिटी और नोटिफाइड या कंटेनमेंट एरिया और नोटिफाइड एरिया, ठीक है। अदर कंडीशंस ये हैं, जापान में 30000 पॉपुलेशन ये तब क्या बनता है, एक नगर बनता है। डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड जो काफ़ी यूरोपियन कंट्रीज हैं कोल्ड एरिया में रहते थे, यहाँ पॉपुलेशन कम है, तो यहाँ ओनली 250% का मिनिमम कंडीशन है। इसके अलावा आइसलैंड की बात करें वहाँ पर 300 पॉपुलेशन कंडीशन है, और कनाडा और वेनेजुएला की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या इतना है 1000 की बात करते हैं, ठीक है। आगे देखें तो ये अलग अलग है, तो ये तो है पॉपुलेशन साइज का। दूसरा हम बात करते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशन का मतलब होता है लोग काम क्या करते हैं, किस प्रकार करते हैं। जैसे आपको पता है इंडिया के अंदर जो ये रखा है वो 70% रखा है कि जो 75% जो लोग हैं वो किस में होना चाहिए, नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में होने चाहिए, ये बोला गया है कि अर्बन एरिया होगा। तो ऐसे ही इटली के अंदर हम बात करते हैं, इटली में 50% है कि मोर देन 50% पॉपुलेशन वो किस में होना चाहिए, नॉन एग्रीकल्चर
एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नगर बोलते हैं। तो सेकंड क्राइटेरिया क्या है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। इसके अलावा हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की। एडमिनिस्ट्रेशन एक मेन पॉइंट होता है, तो उस बेस पे हम बात करें तो इंडिया में कोई भी अर्बन एरिया होगा उसमें क्या होगा, वो या म्यूनसिपलिटी हो सकता है, कंटेनमेंट बोर्ड हो सकता है, या नोटिफाइड एरिया हो सकता है, ठीक है। यदि ऐसा है तो वो क्या बन जाएगा, सिटी बन जाएगा, उसको हम अर्बन एरिया कहेंगे। वैसे ही लेटिन अमेरिकन कंट्रीज में ब्राज़ील और बोलिविया जो साउथ अमेरिका से बिलोंग करते हैं, यहाँ पर किसी भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है उसको अर्बन बोलते हैं, चाहे उसकी पॉपुलेशन कितनी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसे इंडिया में भी है, इंडिया में यही कर रखा है कि यदि वो म्यूनसिपलिटी है या कंटेनमेंट बोर्ड या नोटिफाइड एरिया बना दिया ना, तो फिर उसकी मिनिमम पॉपुलेशन कंडीशन वो उसमें ज़रूरी नहीं कि वो पॉपुलेशन कंडीशन हो, ठीक है। उसके यदि वो नोटिफाइड एरिया गवर्नमेंट कर ही देगी अर्बन एरिया है, तो उसके पॉपुलेशन 5,000 से कम भी हो सकते हैं, ऐसा वहाँ पर चल सकता है। तो ऐसे ही यहाँ पर तो हमने इसके 3 पॉइंट देखे इसके, ठीक है। इसका हमने देखा पॉपुलेशन साइज की बात की है, जो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग है, और दूसरा हमने बात की ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की बात की है, और थर्ड जो बात की हमने वो कौन सी की है, थर्ड जो पॉइंट अपना वो है एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे लोकेशन की। देखिए ये उस जो आप बुक में देखोगे तो इस साथ ऐसा लगता है कि ये पॉइंट उसी का, तो ये अलग सेपरेट पॉइंट अलग से लोकेशन, लोकेशन ऑफ अर्बन सेंटर एग्जामिन विद रेफरेंस टू दियर फंक्शन। अब देखिए कोई भी सिटी है अर्बन एरिया ना, तो हम उसको कहेंगे माइनिंग टाउन है, ये कॉमर्शियल टाउन है ना, या उसको हम कहेंगे कि रिलीजियस टाउन है, पिलग्रिम टाउन है, या टूरिस्ट टाउन है। तो मेन बात क्या है, उस सिटी का फंक्शन क्या है, उस बेस पे हम उस सिटी को बोलते हैं। जैसे हम मान लीजिए हम कहेंगे रुड़की, रुड़की क्या, तो रुड़की क्या इंजीनियरिंग के लिए फेमस है, आईआईटी के लिए फेमस है, तो वो क्या है, वो उसको हम एजुकेशन टाउन बोलते हैं, वो शैक्षणिक नगरी है, ठीक है। इसके अलावा यदि हम नैनीताल की बात करते हैं, मनाली की बात करते हैं, हम शिमला की बात करते हैं, तो वो क्या है, वो टूरिस्ट सिटी है, टूरिस्ट मतलब टूरिज्म के लिए, वहाँ पर टूरिज्म काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी नेचुरल ब्यूटी है, ओके। इसके अलावा हम गोवा बात करते हैं, गोवा भी क्या टूरिज्म के लिए फेमस है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं धनबाद, बोकारो, रानीगंज है ना, इस प्रकार के, तो ये सारे सारे क्या हैं, ये माइनिंग है, माइनिंग सेंटर हैं, या इंडस्ट्रियल सिटी, हाँ सॉरी इंडस्ट्रियल सिटी हैं। तो डिपेंड करता है उस सिटी का क्या है, फंक्शन क्या है। यदि हम दिल्ली की बात करें, हम मुंबई की बात करें, तो ये सारे क्या हैं, ये सारे सारे जो कैपिटल सिटी होते हैं वो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी बोलते हैं। हाँ कोई भी सिटी होता है वो सिंगल फंक्शन नहीं होता है, वो सारे क्या होते हैं, वो मल्टी फंक्शनल सिटी होते हैं। अब एक जैसे बॉम्बे की हम बात करें, तो मुंबई क्या एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर के साथ साथ कॉमर्शियल सेंटर भी है, ठीक है। तो आजकल कोई भी सिटी होता है वो कोई पर्टिकुलर वन सिंगल वर्क नहीं करता, उसके साथ कई सारे अदर फंक्शन होते हैं, लेकिन मेन जो वन सिंगल जो फंक्शन होता है वो डोमिनेट करता है। तो उसी बेस पे हम उसका क्या अलग से कैटेगरी रख देते हैं, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं लोकेशन ऑफ द अर्लीस्ट अर्बन सेटलमेंट्स वर बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, बिल्डिंग मटेरियल्स एंड फर्टाइल लैंड। पहले क्या था, एंशिएंट टाइम के अंदर बात करते हैं, तो अर्बन जो एरिया होता था उसके लिए क्या पानी की उपलब्धता होनी चाहिए, उस पार्ट में बिल्डिंग मटेरियल होना चाहिए और सोइल अच्छी होनी चाहिए ना, तभी क्या होते थे लैंड वो अर्बन एरिया डेवलप होता। आजकल ये चीज़ें जरूरत नहीं, हाँ इनकी भी जरूरत तो पड़ती है, लेकिन इसकी यदि वहाँ पर वाटर अवेलेबिलिटी नहीं है, बिल्डिंग मटेरियल नहीं है, तो भी वहाँ पर क्या है सिटी ग्रोथ कर सकता है, डेवलप हो सकता है, नया सिटी बन सकता है। रीज़न क्या है, आजकल हमारे पास इतने अच्छे जो ट्रांसपोर्ट के मीन्स आ चुके हैं, उससे हम क्या है दूर से चीज़ों को ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं। जैसे हम बात करें वाटर नहीं है तो पाइपलाइन के थ्रू वाटर की वहाँ पर सप्लाई कर सकते हैं, यदि वहाँ पर बिल्डिंग मटेरियल नहीं है तो बाहर से हम इम्पोर्ट कर सकते हैं, चाहे रेलवे से या से या रोड रूट के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। आजकल ऐसे होता है यदि आपको मार्बल से जरूरत पड़ रही है तो आप मार्बल कहाँ से, आप किशनगढ़ अजमेर राजस्थान से मंगवा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा यदि आपको और इटालियन मार्बल की जरूरत है तो आप फॉरेन से मंगा सकते हो। तो मैंने क्या हमारे पास आजकल इतने अच्छे ट्रांसपोर्ट के मीन्स आ चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए आजकल कोई पर्टिकुलर सिटी की जरूरत नहीं है, वहीं पर हो, आजकल कहीं भी सिटी नया तैयार हो सकता है, सारी चीज़ें हम वहाँ अरेंज कर सकते हैं, ठीक है।
फंक्शंस ऑफ अर्बन सेंटर। अब देखिए हम बात करते हैं अर्बन जो सिटी हैं सेंटर्स हैं उनके मेन फंक्शन क्या होते हैं, तो अभी हम बात करेंगे। देखें इसमें एक पहले क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT एज ए फंक्शन ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग एंड न्यू सेटलमेंट्स। देखिए इसमें पूछा है कि रोल ऑफ ICT का रोल क्या है, यदि कोई नगर है वो नया तैयार हो रहा है सेटलमेंट तैयार, उसमें कोई रोल है, उसका कोई कंट्रीब्यूशन है क्या इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का। हाँ इसका काफ़ी ज़्यादा फंक्शन है। अब जितने भी हम इंटरनेट से रिलेटेड बात करें, कॉल सेंटर से रिलेटेड बात करें, तो ये सारी डिजिटल की जो चीज़ें होती हैं वो सारी किस्में आते हैं ICT से आते हैं। और इस प्रकार गए देखिए सिटी के अंदर ये हब है ICT का है, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इसकी ग्रोथ जल्दी होगी, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के लिए जो जॉब की एम्प्लॉयमेंट की काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। क्योंकि आपको पता है इंडिया में एक सिटी ऐसा है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, वो ICT के लिए है, एक तो बेंगलोर है, तो बेंगलोर तो मेन सिटी है, इसके अलावा हैदराबाद भी है जो इन चीज़ों के लिए फेमस है। तो आप देख सकते हो बेंगलुरु के अंदर कितने सारे लोग वहाँ पे काम करते हैं, तो किसी भी सिटी के लिए ICT काफ़ी ज़्यादा उसमें कंट्रीब्यूशन कर सकता है एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो वहाँ काफ़ी सारे लोग काम करने आ सकते हैं। देखिए इन स्पाइट ऑफ टाउन्स परफॉर्मिंग मल्टीपल फंक्शंस वी रेफर टू दी डोमिनेट फंक्शन। देखिए एक सिटी में कई सारे काम होते हैं, लेकिन हम मेन उसका जो डोमिनेट फंक्शन होता है उसी बेस पे उसका हम क्या रखते हैं, उसका नाम रखते हैं। ठीक है, अब जैसे हम बात करें वाराणसी की बात करते हैं, पूरी की बात करते हैं, द्वारिका की बात करते हैं, तो हैं तो क्या है कल्चरल या रिलीजियस सेंटर हैं, लेकिन उसके साथ में वहाँ पर अदर उस सिटी के अंदर और भी काम होते हैं। जैसे हम वहाँ पर एजुकेशन के वर्क भी होते हैं, वहाँ पर कॉमर्शियल का भी होता है, वहाँ पर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी होता है, वहाँ पर मेडिकल से रिलेटेड भी होता है, एंटरटेनमेंट फैसिलिटी भी होते हैं, तो सारे तो ये क्या है और अदर फंक्शन होते हैं, मेन डोमिनेट जो फंक्शन करता है उसी बेस पे हम उस सिटी का क्या करते हैं नाम रखते हैं। ठीक है, अब देखिए हम अलग अलग हम क्लासीफाइड कर रहे हैं, टाउन एंड सिटी आर क्लासीफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। नंबर वन है एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन, जैसे सिटी का मेन फंक्शन क्या है, तो हम बात करें जितने भी कैपिटल सिटी होते हैं ना सारे एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं। जैसे हम बात करें जैसे न्यू दिल्ली है, कैनबरा है जो ऑस्ट्रेलिया कैपिटल है, बीजिंग चाइना कैपिटल है, अदिस अबाबा इथोपिया कैपिटल है, वाशिंगटन DC USA कैपिटल है, एंड लंदन UK कैपिटल। ठीक है, तो ये सारे के सारे हैं जो क्या है कैपिटल सिटी हैं, कंट्री की कैपिटल। इसके अलावा विक्टोरिया ब्रिटिश कोलंबिया की मेन कैपिटल, मतलब USA के अंदर जो स्टेट है ब्रिटिश कोलंबिया उसकी कैपिटल है। ऐसे एल्बेनी बात करें, ये न्यूयॉर्क वाला जो स्टेट है इसके अंदर आता है, उस अल्बानी न्यूयॉर्क सिटी के पास में पड़ता है ये। चेन्नई हम तमिलनाडु कैपिटल बात करते हैं, तो यहाँ पर भी क्या ये भी सारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर हैं। अब क्या होता है उसमें देखिए, जैसे दिल्ली की हम बात करते हैं न्यू दिल्ली, तो न्यू दिल्ली के अंदर इंडिया का मेन जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेजिडेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, इसके अलावा पार्लियामेंट, ये सारे वहीं होते हैं। तो पूरे पूरे देश के लिए डिफरेंट टाइप पॉलिसी को फॉर्मुलेट करते हैं और वहाँ से वो पूरा रूल रेगुलेशन देखते हैं। ऐसे यदि हम चेन्नई की बात करते हैं, चेन्नई का जो CM है, जो गवर्नर है, जो कैबिनेट है, वो सारी काम बैठती है चेन्नई में बैठती है, पूरे तमिलनाडु का पूरा कंट्रोल करती है, डिफरेंट टाइप की पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना है, उनको इम्प्लीमेंट करना है। तो ये डिफरेंट टाइप के जो फंक्शन होते हैं उसको हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है, और जिस टाउन में हो रहे हैं तो उसको हम बोल देंगे एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन। ओके, सेकेंड हम बात करते हैं ट्रेडिंग एंड कॉमर्शियल टाउन करते हैं, तो ऐसे सिटी जिनका मेन फंक्शन ट्रेडिंग एंड कॉमर्शियल। ओके, तो जिसमें जैसे एग्रीकल्चर मार्केट के लिए फेमस बात करें तो विनिपेग और कंसान सिटी हम बात करें। ठीक है, तो विनिपेग और ये कंसान सिटी फ्रांस के अंदर पड़ता है, और विनिपेग है तो आप उसको चेक करना किसके अंदर पड़ता है विनिपेग, या तो ये आपको शायद कनाडा के अंदर है, देखना आप। ठीक है, ये कहाँ पे पड़ता है। दूसरा हम बात करते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेंटर है, जैसे फ्रैंकफर्ट है और एम्स्टर्डम है, तो ये बैंकिंग के लिए काफ़ी फेमस है। इसके अलावा लार्ज इनलैंड सेंटर की बात है तो मैनचेस्टर और सेंट लुइस है। ठीक है, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट नोड्स की बात करते हैं, लाहौर है, बगदाद है, आगरा है, जहाँ पर क्या होते हैं कई सारे टर्मिनल हैं, कई सारे जो जंक्शन के रूप में कई सारे रोड हैं वो इस पर्टिकुलर पॉइंट में मिलते हैं, सिटी में मिलते हैं। तो ये सारे क्या ट्रेडिंग एंड कॉमर्शियल टाउन हैं, तो इनका मेन फंक्शन क्या है
ट्रेडिंग एंड कॉमर्शियल है। ओके, अब हम जो देख रहे हैं फेसबुक, ये है क्या वर्ल्ड से रिलेटेड है, तो इसमें जो आपको जो एग्जांपल्स मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, वर्ल्ड के रेफरेंस में मिलेंगे, इंडिया के रेफरेंस में नहीं मिलेंगे। हम आगे जो इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी बात करेंगे तो उसमें क्या होंगे, सारी सारी चीज़ें इंडिया से रिलेटेड होंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इससे कल्चरल टाउन की बात करते हैं, तो ये कल्चरल टाउन प्लेसेस जो पिलग्रिम्स जहाँ पे तीर्थ यात्री जाते हैं ना, जैसे जेरूशलेम है, ठीक है, इजराइल में, इजराइल फिलिस्तीन के बीच में, और जैसे मक्का की बात करते हैं सऊदी अरेबिया, जगन्नाथ उड़ीसा में है, पुरी पता ही, जगन्नाथ पुरी उड़ीसा, वाराणसी यूपी के अंदर है। तो ये क्या है, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं जो स्पिरिचुअल के पर्पज़ से वहाँ पर जाते हैं धार्मिक के लिए, कुछ हेल्थ और रिक्रिएशन के लिए होता है जहाँ पे लोग जाते हैं, तो वो हेल्थ के लिए अच्छा टूरिस्ट प्लेस हैं सारे सारे। जैसे मियामी, तो मियामी है वो ये यूएसए के अंदर, नीचे फ्लोरिडा उसमें पड़ता है, नीचे नीचे साउथ ट्रिप मिलेगा आपको देखना। पणजी, हम गोवा की बात करते हैं तो ये काफ़ी सारे लोग घूमने वाले जाते हैं। कुछ इंडस्ट्रियल टाउन होते हैं जैसे पिट्सबर्ग की हम बात करते हैं, और जमशेदपुर, जो पिट्सबर्ग है वो यूएसए के अंदर पड़ता है और जमशेदपुर अपने यहाँ पर झारखंड में पड़ता है। ठीक है, टाटा का जमशेद जी, टाटा के ऊपर ये नाम जमशेदपुर का है। इसके अलावा माइनिंग और क्वेरिंग है, जहाँ पे हम माइनिंग होती है, मिनरल्स को ज़मीन से निकाल देते हैं, ब्रोकन हिल, तो ब्रोकन हिल ऑस्ट्रेलिया की सिटी है, और धनबाद है हमारे झारखंड की है। ठीक है, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट है, जो सिंगापुर है आपको पता है, ये मुगल सराय है। ठीक है, ये सारी सारी तो माइनिंग और क्वेरिंग सेंटर हैं, तो ये डिफरेंट टाइप के पिलग्रिम से रिलेटेड हो सकती हैं, मतलब स्पिरिचुअल प्लेसेज हैं, हेल्थ एंड रिक्रिएशन है, इंडस्ट्रियल माइनिंग, ये सारे सारे किस में आते हैं, कल्चरल टाउन में आते हैं, तो इन सिटीज़ का ये मेन मेन फंक्शन है। ओके, तो इसके अंदर ये यहाँ पर ये कंप्लीट होता है, ये जो क्वेश्चन है फंक्शंस ऑफ द अर्बन सेंटर है, तो इसके अंदर हमने अलग अलग फंक्शन देख लिए, इसके एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन देख लिए हमने, इसके कॉमर्शियल एंड ट्रेड जो टाउन देख लिए, और थर्ड हमने क्या देख लिया, कल्चरल टाउन्स भी हमने देख लिया। ठीक है, अब आगे देखें इसके मेन पॉइंट बात करते हैं, इम्पोर्टेंट है, देखिए इसमें अच्छे से दिखा रखा है, अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है, अर्बनाइजेशन, तो अर्बनाइजेशन मीन्स द इंक्रीज इन द प्रपोर्शन पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री हु लिव इन अर्बन एरिया, और सिंपल से हम बात करें तो ग्रोथ ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इज कॉल्ड अर्बनाइजेशन, सिंपल सी बात है। देखिए अर्बन एरिया की जो पॉपुलेशन है वो ग्रोथ करेगी ना, बढ़ेगी, तो उसमें पॉजिटिव ग्रोथ होगी, तो उससे क्या होगा, सिटी का भी क्या होगा, आउटर ग्रोथ, शहर बाहर बड़ा होता जाएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अर्बनाइजेशन बोलते हैं। तो नगर का फैलाव है ना, जो नगर का ग्रोथ है उसी को हम, सिटी का ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं, अर्बनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, देखो दूसरा, डेवलप्ड कंट्रीज एक्सपीरियंस रैपिड अर्बनाइजेशन ड्यूरिंग द 19th century, देखना होता ना, डेवलप्ड जो कंट्री हैं जितने डेवलप्ड हैं, चाहे रशिया, यूएस हम बात करते हैं, चाहे जर्मनी की, फ्रांस, जितने भी कंट्री हैं ये सारे, यूएस की बात करते हैं, ये सारे के सारे इनमें 19th century का मतलब ये है कि 1801 से लेकर के और 90th 100 तक का जो टाइम है ना, वो सारा का सारा टाइम है इसके अंदर आता है। जैसे ये है ना 01 से लेकर के और ये 1900 तक, ये पूरा, तो ये पूरी पूरी क्या, इसको 19th century बोलते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो रैपिड अर्बनाइजेशन हुआ था वो डेवलप्ड कंट्री में हुआ था। अब रीजन क्या, अब देखिए रीजन ये था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो सबसे पहले यूरोपियन कंट्रीज में शुरू हुआ था। ठीक है, तो इसलिए पहले जो लोग शहरों में, अर्बन एरिया में नहीं रहते थे, लोग कहाँ रहते थे, रूरल एरिया में रहते थे, और नॉर्मली सारे के सारे क्या करते थे, प्राइमरी एक्टिविटीज करते थे। अब जैसे ही प्राइमरी से लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया, तो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने से क्या, इंडस्ट्री डेवलप हुई, और इंडस्ट्री डेवलप होने से क्या, रूरल एरिया से काफ़ी सारे लोग माइग्रेट होकर गए और उन फैक्ट्रीज में, उन जो इंडस्ट्रीज में काम करने लगे, और उसी के पास वो सेटल हो गए, रहना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे वो क्या है, परमानेंटली हो गए, वो क्या बन गए, पूरे सिटी बन गए। ठीक है, तो इस प्रकार से सिटीज़ बने जितनी भी वर्ल्ड के अंदर हम बात करते हैं। तो ये जो 19th century थी उसमें डेवलप्ड कंट्री के अंदर अर्बनाइजेशन काफ़ी ज़्यादा हुआ, लेकिन अब क्या, अब पूरा सीनियर चेंज हो गया, उसके बाद में हम डेवलपिंग कंट्री की बात करते हैं, इंडिया जैसे श्रीलंका और बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज, ये जो कंट्रीज हैं ये सारे डेवलपिंग है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें सबसे ज़्यादा जो अर्बनाइजेशन हुआ है वो सेकेंड हाफ ऑफ द 20th century है। तो सेकेंड हाफ ऑफ द 20th century की हम बात जो करते हैं, ये 1950 से लेकर के और 2000 का जो टाइम है, इसमें सबसे ज़्यादा जो अर्बनाइजेशन हुआ है वो किस में हुआ है, डेवलपिंग कंट्री में हुआ है। ठीक है,
तो ये ध्यान रखना है किस कौन से डेकेड में या किस पर्टिकुलर सेंचुरी के अंदर कहाँ पर सबसे ज़्यादा अर्बनाइजेशन हुआ। अब आप कहोगे कि यहाँ पे क्यों हुआ, अब रीज़न ये हुआ कि यहाँ पर जितने भी 1950 तक जितने भी डेवलपिंग कंट्री काफ़ी सारी कंट्रीज हैं जो किन्हीं दूसरे कंट्रीज़ के गुलाम थे सारे सारे, और सेकेंड वर्ल्ड वार होने के बाद में क्या हुआ काफ़ी सारे कंट्री हैं इंडिपेंडेंट हुए, जैसे इंडिया, श्रीलंका और भी बहुत सारे कंट्रीज हैं। उसके बाद में गवर्नमेंट की जो डिफरेंट टाइप पॉलिसी हैं या अर्बन एरिया के अंदर काफ़ी सारा इंडस्ट्री डेवलप हुई डिफरेंट टाइप की, और इसके अलावा यहाँ पर काफ़ी सारा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, तो उससे क्या हुआ रूरल एरिया से अर्बन एरिया में आना शुरू कर दिया। आज भी हम देखते हैं इंडिया के अंदर तो जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक है मतलब वेलविंग फैमिली से बिलोंग करते हैं तो लोग क्या करते हैं रूरल एरिया को छोड़कर अर्बन एरिया में शिफ्ट हो जाते हैं, चाहे वो बच्चों की एजुकेशन के लिए, चाहे मेडिकल फैसिलिटी के लिए, चाहे अदर जो फैसिलिटीज़ के लिए वो क्या है अर्बन एरिया में रहना शुरू करते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म्स। अब फॉर्म बेस में करते हैं, जैसे हमने पीछे देखा था कि उसमें देखा था कि जो बेसिस ऑन फॉर्म क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स रूरल एरिया, उसमें रूरल एरिया था तो उसमें लीनियर पैटर्न देखा था, स्क्वायर पैटर्न, स्टार पैटर्न, तो वैसे ही क्या है सिटी के अंदर भी ऐसी से बनती हैं डिफरेंट टाइप की। तो देखिए हम बात करते हैं, अभी यहाँ पर हम उसकी डिटेल से नहीं देखें क्योंकि हम पीछे देख चुके हैं जैसे रूरल एरिया बनते हैं वैसे क्या अर्बन एरिया भी वैसे ही वैसे लीनियर, स्क्वायर या स्टार या क्रिसेंट या डबल इस प्रकार की सिटी बन जाते हैं। देखिए आगे बात करें, वाइल मोस्ट रीजन डेवलप्ड कंट्रीज आर प्लान्ड, मोस्ट अर्बन सेटलमेंट्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज हैव इवॉल्व्ड हिस्टोरिकली विद इरेगुलर शेप्स बट चंडीगढ़ एंड चंडीगढ़ प्लान। देखिए एक बात है, बहुत अच्छी बात बता रही है कि जितने भी डेवलप्ड कंट्री के जो डेवलप्ड कंट्री है ना डिफरेंट टाइप की वो सारे सर प्लांट सिटी हैं। प्लांट सिटी का मतलब ये होता है कि वहाँ पर हर चीज़ की अच्छे से प्लानिंग की गई है, मतलब सेटलमेंट पूरा प्लेन एरिया होगा, अच्छा ड्रेनेज सिस्टम होगा, ऐसे नहीं कि कहीं पानी भर जाए ऐसे नहीं होगा, ड्रेनेज सिस्टम होगा, जगह उनकी पर्टिकुलर जगह भी उसका पार्क होगा, शॉपिंग सेंटर होगा, ऐसे डिफरेंट टाइप की, तो प्लांट सिटी है। हर चीज़ अच्छी सड़कें हैं, पूरा पूरा स्ट्रीट लाइट है, कहीं पर ऐसे नहीं कंजेशन नहीं मिलेगा आपको, और प्रॉपर गार्बेज का डिस्पोजल है, जो कचरा है उसका सब कुछ होता है ऐसे। लेकिन जैसे डेवलपिंग कंट्री हैं जितनी भी डेवलपिंग कंट्री हैं उन पार्ट्स में क्या वहाँ पर अनप्लांट सेटलमेंट है, इरेगुलर शेप, कोई पर्टिकुलर शेप नहीं इरेगुलर, क्योंकि जैसे ही लोगों को जगह मिली वैसे सेटलमेंट, तो उससे बड़ी दिक्कत हो, सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है एक तो ड्रेनेज की होती है, पानी नहीं निकलता ऐसे, ठीक है, और दूसरा कचरे की बड़ी प्रॉब्लम है, और कई कई जगह तो क्या होते हैं गली जो होती है स्ट्रीट की बात करें वो काफ़ी नेरो स्ट्रीट होते हैं या फिर वो क्रॉस नहीं होते। कई बार ऐसे देखा होगा ना कुछ सिटी ऐसे होते हैं जहाँ से आप निकल रहे हो तो आगे वो रोड ब्लॉक हो जाती है ऐसे, तो आपको वापस यू टर्न करना पड़ता है। तो ऐसे नहीं, प्लांट सिटी के अंदर आप जिस रोड से निकलते हो वो दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़ती है, तो आपको वापस रिटर्न नहीं होना पड़ता है। तो फिर भी इंडिया में कुछ प्लांट सिटी हैं जिसमें जैसे चंडीगढ़ है, इसमें दो दे रखे हैं, चंडीगढ़ कैनबरा, कैनबरा तो ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में चंडीगढ़ है, इसके अलावा गांधीनगर है गुजरात की कैपिटल है, इसके अलावा भुवनेश्वर है, ये सारे प्लांट सिटी हैं। आजकल जितनी भी नई सिटी बन रही है सारे प्लांट सिटी बन रहे हैं, पुराने जितने भी शहर थे वो सारे ऐसे ही इरेगुलर शेप में बन गए, अनप्लांट बन गए। इसमें दो एग्जांपल दे रखे हैं वर्ल्ड के अंदर, हम रेफरेंस के अंदर बात करेंगे तो एक तो इसमें दे रखा है अदीस अबाबा, अदीस अबाबा जो इथियोपिया की कैपिटल है, ठीक है, ये वीडियो बड़ा हो जाएगा तो मैं इसको यहाँ रोकता हूँ, नेक्स्ट में दूसरे में बात करते हैं, ठीक है।